राजनीति में बढ़ता अपराधीकरण, चुनाव आयोग की कोशिशें नाकाम। नमस्कार, मैं प्रशंसा, स्वागत है आपका जनता इंडिपेंडेंस के शो पॉलिटिक्स टुडे में। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, जिनका 3 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा। उससे पहले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट के अनुसार 5 राज्यों में चुनाव लड़ने वाले करीब 18% उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए। एडीआर ने मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव मैदान में 8054 उम्मीदवारों में से 8051 के हलफनाम यानी कि स्वयं घोषित शपथ पत्र की जांच की। रिपोर्ट के मुताबिक 1452 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, जबकि 959 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 22 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ हत्या से संबंधित मामले घोषित किए हैं, 82 ने हत्या के प्रयास से संबंधित मामले घोषित किए हैं, 107 ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामले घोषित किए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। राजनीतिक दलों ने फिर से दागी उम्मीदवारों को टिकट देने की अपनी पुरानी परंपरा का पालन किया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है जिन्होंने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी 2020 के अपने निर्देशों में राजनीतिक दलों को ऐसे उम्मीदवारों के चयन के लिए कारण बताने का निर्देश दिया था और पूछा था कि बिना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को चुनावी उम्मीदवार के रूप में क्यों नहीं चुना जा सकता। यह भी देखा गया कि राजनीतिक दलों ने आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों का खुलकर बचाव भी किया। इन उम्मीदवारों को मैदान में उतारने से पहले उनकी लोकप्रियता और सामाजिक कार्य गिनाए, आपराधिक मामलों को राजनीति से प्रेरित बताकर बचाव किया। रिपोर्ट में कहा गया, दागी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए ठोस कारण नहीं है। ये डेटा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि राजनीतिक दलों को चुनावी प्रणाली में सुधार करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और हमारा लोकतंत्र कानून तोड़ने वालों के हाथों में चला जाता है और वो कानून निर्माता बन जाते हैं। एडीआर ने बताया कि मिजोरम में 174 उम्मीदवार हैं जिन पर 7 गंभीर मामले और छत्तीसगढ़ में 1178 उम्मीदवार पर 126 आपराधिक मामले एवं 72 गंभीर मामले। मध्य प्रदेश में 2534 उम्मीदवार में 472 यानी कि 472 आपराधिक मामले एवं 291 गंभीर मामले। वहीं राजस्थान में 1875 यानी कि 1875 उम्मीदवार हैं जिन पर 326 आपराधिक मामले हैं। तेलंगाना में 2290 उम्मीदवार हैं जिन पर 521 यानी कि 521 आपराधिक मामले और 353 संगीन मामले दर्ज हैं। 5 राज्यों के चुनाव में 1452 का क्रिमिनल बैकग्राउंड, 22 पर मर्डर तो 82 पर अटेम्प्ट टू मर्डर केस है। क्या राजनीति में बढ़ता अपराधीकरण को रोक पाएगा वोटर? आपका क्या कहना है इस पे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।